Our today's topic is prepositions. Today we are going to learn about prepositions. Hey everyone, this is Renu, your English educator. In this video, we are going to learn about prepositions. So, what we are going to learn in preposition? What are prepositions? In types, we will see only four types, that is preposition of place, preposition of time, preposition of movement, and preposition of direction. Okay, let's start. What are prepositions? Students, now see these examples. The apples are in the plate. The book is on the table. The girl is standing at the door. The man is sleeping under the tree. Now, see the first one. The apples are in the plate. Apples and plate. Both are what? Both are nouns. So these two are nouns, right? Both are nouns, right? So
it is under. So what is under? That is preposition. Preposition, right? See, man and tree, both are nouns. A nouns को link करने का काम कौन कर रहा है? The word under. Under link कर रहा है. So the word under is preposition. Okay? Of place, okay? In
This paper is over my head. Right? It is over my head. Now see. See this image? Where is the cat? Cat is under the table. So we will see the cat is under the table. बिल्ली कहाँ पे बैठी है? टेबल के नीचे. सो कैट और टेबल को लीक कौन कर रहा है? अंडर. सो अंडर इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. वो उसकी प्लेस बता रहा है ना. कैट की कैट किसके नीचे है? टेबल के नीचे है. तो वो प्लेस बता रहा है ना. सो अंडर इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. नाउ नाउ सी दिस पिक्चर. द बुक इज किसी चीज की ज्यादा ही गहराई को दिखाने के लिए हम
31 दिन में कौन से दिन मैं आऊंगी? नहीं पता। सो लंबे समय के लिए हम इनका यूज करते हैं। ओके, वी यूज ऑन फॉर पर्टिकुलर डे। किसी एक पर्टिकुलर दिन के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन ट्यूजडे, ऑन 17th Jan, ऑन 10th of May, राइट? ऑन जो है एक पर्टिकुलर डे के लिए यूज होता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज होता है, राइट? और ये किस लिए होता है? कि जो लंबे समय की जब हम बातें करते हैं उसके लिए हम इन का यूज करेंगे, एंड ऑन का यूज हम पर्टिकुलर डे के लिए यूज करेंगे, एंड एट नाइट, एट 10 AM, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, एट 10 AM, ऑन ट्यूजडे, ऑन मंडे, ऑन 17th January, इन लंबे समय के लिए, इन 2005 ईयर, मंथ इन मे, राइट? समझ में आया कुछ? जब हम लंबे समय की बात करते हैं तो हम इन का यूज करते हैं, जब हम एक पर्टिकुलर डे की बात करते हैं तो हम ऑन का यूज करते हैं, पर्टिकुलर डे, डेट। ओके, तो ऑन का यूज करेंगे। एक पर्टिकुलर टाइम की बात जब हम करते हैं तो हम एट का यूज करते हैं। समझ में आया? चलो इसको अब हम डिटेल में देख लेते हैं, इन ऑन एट। लिसन वन थिंग, इन एंड ऑन हम लोग प्लेस के लिए भी यूज करते थे, इन ऑन अंडर ओवर करते थे, इन इन द बुक, ऑन द टेबल, दैट शोज प्लेस कि कोई चीज कहां पे है। एंड इन ऑन का हम टाइम के लिए भी यूज करते हैं, इन हम मंथ्स के पहले लगाते हैं, इयर्स, सेंचुरीज, वीक्स, सीजंस और हॉलीडेज बताने के लिए भी हम इन का ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज बोर्न इन 1995 शोज व्हाट ईयर, तो ईयर के पहले क्या आया? इन। इन क्या बता रहा है? इन इधर टाइम बता रहा है, टाइम बता रहा है कि मैं कब पैदा हुई थी, किस साल में पैदा हुई थी, दैट इज 1995। माधुरी वॉज फेमस इन 90s। इसका मतलब क्या है? यस, इट्स वॉज सेंचुरी कि 90s का जब जमाना चल रहा था तो कौन फेमस था? माधुरी। माधुरी वॉज फेमस इन 90s। 90s में माधुरी बहुत फेमस हीरोइन थी, राइट? सो किसी भी सेंचुरी की डिजिट को दिखाने के लिए हम इन का यूज करते हैं। सीजन, इन स्प्रिंग सीजन, इन मॉनसून, राइट? सो देयर वी विल यूज इन।
So on the right hand, and anniversary we have the on anniversary. I will do this. So on anniversary, हर साल जो आता है, repetitive आएगा ही आएगा. उसके लिए भी हम on का ही use करेंगे. वो भी एक time बता रहा है कि हमारी जो anniversary है, वो इस दिन आती है ना. तो on anniversary I will do this. एक particular time है, particular period है, right? And days on Monday, on Tuesday, on Wednesday, days of the week. उसके लिए भी हम on का ही use करेंगे. And date. किसी भी date को mention करने से पहले हम on लगाएंगे. On 15 January. I will do this. Yes. My birthday is on 14th of Feb. बोलते हैं on birthday से पहले क्या लगता है on, right? एक particular date बताने के लिए, days बताने के लिए, repetitive days जैसे Republic Day है, गांधी जयंती है, Independence Day है, they all are repetitive days. So इनको हम बताने के लिए, specific days को बताने के लिए हम on का use करेंगे, जो हर साल आता ही है. At. When we use at, yes, at कब use करते हैं? Tell me. जब हमें एक particular time बताना होता है, right? At sunrise, at sunset, और at जैसे कि मैंने बोला see you at 11 o'clock. Your online classes will begin at 11 a.m. हम बोलते हैं ना your online class English online class is begin at 11 a.m. Your online class is begin at 11 a.m. time particular time बताया है ना 11 a.m. So उस particular time से पहले जो लगेगा वो हमारा preposition होगा at. Okay, I am teaching at the same time my camera is on. At same time, मतलब जिस वक्त मैं पढ़ा रही हूँ उस वक्त मेरा कैमरा ऑन है. तो उसको बताने के लिए भी मैंने किस प्रीपोजिशन का यूज किया? At का. I am teaching at the same time my camera is on. Students, at noon, at midnight. Do you know noon and midnight? What do you mean by noon and what do you mean by midnight? Noon किसको बोलते हैं? Midnight किसको बोलते हैं? Midnight means 12 a.m. जब रात के 12 बजते हैं, उसको हम बोलते हैं midnight. And जो दोपहर के 12 बजते हैं, उसको बोलते हैं 12 p.m. Right? So noon and midnight से भी पहले जो लगेगा हमारा preposition वो होगा at. Okay? And I will sleep at what? At morning लगाएंगे कि in the morning? At night लगाएंगे what? Yes, I will sleep at night. रात को. तो at is our preposition, right? समझ में आया? इन और एट. इन कब लगाते हैं, एट कब लगाते हैं और ऑन कब लगाते हैं? यस, ऑन जब हमें कोई पर्टिकुलर डे बताना होता है, एट पर्टिकुलर टाइम बताना होता है, इन जब एक किसी लंबे समय की हम जब बात करते हैं, लंबे समय की बात मतलब मंथ की बात, वीक की बात, सेंचुरीज की बात, इयर्स की बात, तो हम उस टाइम में इन लगाएंगे. ठीक है, क्योंकि हमें स्पेसिफिक डे का तो नहीं पता है, पता है नहीं पता है कौन से दिन. तो जब हम मंथ की बात करते हैं, इयर्स की बात करते हैं, सेंचुरीज की बात करते हैं, एट दैट टाइम वी विल यूज इन. एंड पर्टिकुलर डे की बात करेंगे तो एट दैट टाइम वी यूज ऑन. पर्टिकुलर डेट की बात करेंगे तो एट दैट टाइम वी विल यूज एट. प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट. प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट टेल्स अस अबाउट द मूवमेंट ऑफ पीपल और थिंग. किसी भी चीज के मूवमेंट की
Students, see here. What is this? This is paper, right? This marker is going through this paper, right? Going through this paper. Through जब हम एक एक साइड से जाते हैं और दूसरे साइड से निकल के आते हैं, उस समय हम through का यूज करते हैं. For example, the train passed through the tunnel. एक साइड से गई और दूसरी साइड से बाहर. उस समय हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? उस समय हम through का यूज करेंगे. ओके, समझ में आ रहा है? एक साइड से अंदर जाओ और दूसरी साइड से निकल जाओ, तो उस समय हम through का यूज करेंगे. Around कैसे यूज करेंगे? There is a fence around the. There is a fence around the field. Around the field. There is a fence around the field. Around मतलब चारों तरफ से. क्या किया गया है? Fencing किया गया है. किसकी? Field की. मतलब एक खेती है, उसको हमने तारों से चारों ओर से घेर दिया है, तो उस पूरे चारों तरफ से जब घेरा है उसको, तो उसको हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? दैट इज अराउंड. प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट. देयर इज अ फेंस अराउंड द फील्ड. ओके, थ्रू. समझ में आया? कोई चीज आर पार चली जाए, उधर हम थ्रू का यूज करेंगे. मूवमेंट पासिंग समथिंग इन अ कर्व्ड रूट, नॉट गोइंग थ्रू इट. उसके अंदर से निकल के नहीं जाना है, चारों ओर से घूम लेना है, तो उधर हम अराउंड का यूज करेंगे. ओके, अलोंग कहाँ यूज करेंगे? इन अ लाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. अलोंग हम कब यूज करेंगे? जैसे कि हम वॉक कर रहे हैं और हमारे बाजू में कोई रिवर है. आई एम वॉकिंग अलोंग द रिवर. मतलब पास में ही रिवर है और मैं बाजू से जा रही हूं, तो आई एम वॉकिंग अलोंग द रिवर. राइट, रिवर मेरे बाजू में बह रही है और मैं उसी के बाजू में जा रही हूं. उस समय हम अलोंग का यूज करेंगे. दैट इज आई एम वॉकिंग अलोंग द रिवर. और मेरे साथ अगर कोई चल रहा है तो मैं बोलूंगी ही इज वॉकिंग अलोंग विद मी. ही इज वॉकिंग अलोंग विद मी. वो मेरे साथ चल रहा है. ही इज वॉकिंग अलोंग विद मी. मेरे साथ चल रहा है, यानी कि मूवमेंट हो रहा है ना. सो इट इज अलोंग विद मी. इन टू एंड आउट ऑफ मी. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ ग्लास. सपोज इट्स अ ग्लास एंड देयर इज अ वॉटर. ओके, एक बोतल है पानी का और एक ग्लास है मेरे पास. और जब मैं उस बोतल में से पानी ग्लास में डालूंगी, यानी कि मूवमेंट हो रहा है ना, मैं डालने का काम कर रहे हूं. जब वो काम हो रहा है, पानी जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी? द वॉटर वेंट इन टू द ग्लास. द वॉटर वेंट इन टू द ग्लास. इनटू इज प्रीपोजिशन, यानी कि पानी ग्लास में जा रहा है. काम हो रहा है ना, वो जाना रहा है, तो जा रहा है मतलब इनटू लगाएंगे हम. द पेपर वेंट इनटू द गार्बेज, यानी कि मैं गार्बेज में पेपर डाल रही हूँ, वो गया नहीं है. अगर मैंने बोला द पेपर इज इन द गार्बेज, यानी कि वो पेपर गार्बेज में है. बट मैंने क्या बोला? द पेपर वेंट इन टू द गार्बेज, यानी कि वो पेपर अंदर जा रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो उस समय हम इन टू का यूज करेंगे. ओके, बहुत बच्चे इन टू, इन और इन साइड.
इसमें इन साइड में हम कवर्ड है, मतलब चारों तरफ से बंद है. आई एम इनसाइड द क्लास. ओके, ये फर्क है तीनों. इनटू जब हम किसी चीज के अंदर आ रहे हैं या कहीं अंदर आ रहे हैं तो हम इनटू लगाएंगे. आउट ऑफ जब हम बाहर जा रहे हैं, यानी कि मदर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. इसका मतलब आउट ऑफ, यानी कि मेरी मम्मा ने, मदर ने विंडो से बाहर झांक के देखा, मुझे देखा ना, बाहर झांक के, विंडो से बाहर झांक के मुझे देखा. सो मूवमेंट हो रहा है, बाहर झांकती है, तो हम आउट ऑफ लगाएंगे. आई एम जस्ट केम आउट ऑफ माय क्लास. आई एम जस्ट केम आउट ऑफ माय क्लास, यानी कि मैं अभी अभी क्लास के बाहर आई हूं. आई एम जस्ट केम आउट ऑफ माय क्लास, मतलब क्लास से बाहर जा रही हूं ना मैं. सो आउट ऑफ लगाएंगे. जब अंदर आते हैं तो इन टू लगाएंगे, जब बाहर जाएंगे तो आउट ऑफ लगाएंगे. ओके, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में बेटा टू और टूवर्ड्स पहले हमें समझने की जरूरत है. व्हाट डू यू मीन बाय टू एंड टूवर्ड्स? फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं अगर यहां से निकली, अब मुझे अपने घर पे जाना है, मुझे एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का पता है कि मुझे घर ही जाना है. सो आई एम गोइंग टू हाउस, आई एम गोइंग टू माय हाउस. एक पर्टिकुलर जगह का पता है मुझे कि मेरे घर ही जाना है मुझे, तो उस समय हम टू का यूज करते हैं. पर जब हम बोलते हैं कि मैं उस तरफ जा रही हूं, जैसे सपोज ये मेरा घर है, preposition of place, preposition time, preposition of
मूवमेंट एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन वी कवर्ड। स्टूडेंट्स आपको भी पता है मैंने क्लास में ऑलरेडी ये सब चीजें करवा दी थी। हमने एक्सरसाइजेस भी स्टार्ट कर दिया था फिफ्थ बी में, हमारी एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट हो चुकी है, बट फिफ्थ ए में हमारी एक्सरसाइज 2 इज लेफ्ट। बट इन नेक्स्ट वीडियो